सड़क मार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में नेहरू नवयुवक मंडल तथा माँ कंप्यूटर सरस्वती कंप्यूटर एकेडमी के सहयोग से किया गया। रैली को पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र डुकिया, थानाधिकारी भूटाराम विश्नोई, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य अनुपाराम सोनी, सरस्वती कंप्यूटर एकेडमी के मांगीलाल सोलंकी, नेहरू नवयुवक मंडल के सचिव मग सिंह राज पुरोहित, संरक्षक डूंगर राठी, मॉडल स्कूल के बाबूलाल बिश्नोई, नवीन एकेडमी के चेतन चौधरी, आदर्श विद्या मंदिर की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विभिन्न सड़क संबंधित नारों की तख्तियां से सजी यह रैली कमठा मजदूर यूनियन के कार्यालय से प्रारंभ होकर पिपली चौक, शहीद भगत सिंह सर्किल, विवेकानंद चौराहा, मुख्य बाजार, तहसील कार्यालय से होते हुए बिरात्रा सर्किल से होकर आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में विसर्जित हुई। रैली के पश्चात आदर्श विद्या मंदिर के सभा भवन में सड़क जागरूकता संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। विजेता को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। सड़क और यातायात सुरक्षा पखवाड़ा अभी चल रहा है। आए दिन आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें देखते हो, अलग अलग पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग कोर्ट विभाग वगैरह मिलके अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जिनके तहत पहला मेन उद्देश्य है इसका वो है जागरूकता पैदा करना। हालांकि आजकल यातायात में जितनी रोडों में सुधार हुआ है या दूसरे संसाधनों में वाहनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है, उसी के साथ साथ जो बेसिक इसकी ड्राइविंग स्किल्स है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोगों को इतना जानकारी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति पैदल चल रहा है, दोपहिया वाहन पे चल रहा है या चौपहिया वाहन पे चल रहा है, उसको सर्वप्रथम जानकारी होना चाहिए। जरूरी है कि किन किन चीज़ों की, किन किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है किसी वाहन को चलाने से पहले, और चलाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जो चीजें होती है कि व्हीकल जो है, जो संसाधन है, वाहन है, वो चलने की स्थिति में हो, एकदम फिट हो, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, रजिस्टर्ड हो, जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा जो मानक स्थापित किए गए हैं उन मानकों के आधार पर फिट हो, चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वाहन और स्वयं का बीमा होना चाहिए, प्रदूषण से संबंधित फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई वाहन चलाने से पहले। उसके बाद होती है कि सड़क पर चलने के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होता है, जैसा कि क्विज के थ्रू या प्रश्नोत्तरी के थ्रू आप लोगों से पूछा जा रहा था कि सड़क के किस ओर चलना चाहिए, लाल बत्ती पे, हरी बत्ती पे, पीली बत्ती पे क्या करना चाहिए, कितनी गति से कौन सा वाहन चला सकते हैं, किस रोड पे कितनी गति से चला सकते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग जो साइनेज वगैरह होते हैं उनका क्या मतलब होता है। प्रश्नोत्तरी में और अच्छा कर सकते थे हम,
जैसा कि आप अलग अलग साइन बोर्ड देखते हो रोड पे चलते हो, तो कुछ एक साइन बोर्ड गोल घेरे में होते हैं, कुछ एक ट्रायंगल शेप में होते हैं, कहाँ पे हॉर्न बजाना है कहाँ पे नहीं बजाना है, ब्रेकर कोई है, जेब्रा लाइन है, उसके बारे में। जेब्रा लाइन क्या होती है आपको पता है? कौन बताएगा? थोड़ा मैं भी आप सबको